हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रेफरेंसेस को यकजा करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत फैसला कल सुनाएगी। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने आयद फर्दे जुर्म एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। शरीफ फैमिली का आज भी शाहाना प्रोटोकॉल। काफले में एक दो नहीं पूरी 30 गाड़ियां शामिल थीं। सिक्योरिटी अहलकारों की दौड़ें लग गईं, कारकुन नारे लगाते रहे। अदालतों से भागने वाले नहीं, पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। नवाज शरीफ की मरी रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा मालूम नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। साबिक वजीर आजम मरी पहुंच गए। जरदारी साहब की आप क्या बात करते हैं, यानी वो एक आज यानी कलगी लगाकर और वास्कट को इस तरीके करा के वो आज भाषण दे रहे हैं। $60 मिलियन उन्होंने इस कौम का हड़प किया हुआ। पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क करने वाले कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। कौम के 6 अरब रुपए लूटने वाले अब भाषण दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब के एक तीर से दो शिकार, कहा नवाज शरीफ ही हमारे कायद हैं, उनके फैसलों पर अमल करेंगे, शायराना तबसरा भी किया। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। हमें ताने देने वाले अपने गिरेबान में झांकें, नून लीग इदारों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। कमर जमान कायरा का जवाबी वार, कहा तहरीक इंसाफ के कबल इस वक्त इलेक्शन के मुतालबे का वक्त नहीं, मुतालबा गैर आइनी नहीं। शरीफ ट्रस्ट की कितनी जायदादें हैं, कितने अकाउंट्स हैं, नैब ने स्टेट बैंक से शरीफ ट्रस्ट के फलाही इदारों के अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल समेत दीगर इदारों के 1995 से 2000 तक के बैंक स्टेटमेंट्स तलब। स्टेट बैंक ने पैराडाइज लीग्स में शामिल 135 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। तारिक बाजवा कहते हैं मालूम करेंगे सरमाया कब और कहां से गया। एतमाद में लिए बगैर कौमी असेंबली का इजलास गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया, ये पार्लियामेंट से मजाक है। खुर्शीद शाह का शिकवा, कहा हुकूमती अरकान को अपनी ही हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। हमारी सिफारती पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है। तुर्की, चीन, ईरान और सऊदी अरब आज भी हमारे साथ ऐसे खड़े हैं जैसे पहले थे। वजीर खारजा का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अमरीकी कहते हैं उनकी नीयत ये कहने की नहीं थी कि भारत को स्ट्रेटेजिक किरदार दिया जाए। अफगानिस्तान में अमन दुश्मनों के हाथ शहीद अहलकार नैयर इकबाल आहों सिस्कियों में इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। एनआरओ से नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम को फायदा पहुंचाया गया। मुत्तहिदा दहशत गर्दों के मुकदमात खत्म किए गए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मखसूस जमात में शामिल होने वालों के तमाम मुकदमात खत्म कर दिए जाते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कानून की हर खिलाफ वर्जी को बददियानती में कैसे फिट करें, इतने बरसों बाद लेन देन में कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को कैसे ना अहल कर दें। मान लेते हैं गलती और कानून की खिलाफ वर्जी हुई, बददियानती कहां से आएगी। चीफ जस्टिस के जहांगीर तरीन ना अहली केस में रिमार्क्स।
इमरान खान ने अपने कागजात में अहलिया के असासे जाहिर नहीं किए, नई दस्तावेजात में यूरो अकाउंट दिखाया गया। अकरम शेख के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, अगर दस्तावेजात मुतनाज़े हों तो फिर अदालत को क्या करना चाहिए। जमायमा का ताल्लुक बहुत अमीर खानदान से है, जमायमा के असासे पूरी दुनिया में हो सकते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नई हल्का बंदियों पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज फिर बेनतीजा खत्म। कर अयाज सादिक कहते हैं तमाम जमातें बरवक्त इंतखाबात चाहती हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की बातचीत पर अयाज सादिक की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मैं क्यों नहीं बोलूं? आपने अगर मुझे ये कहा ना कि मैं नहीं बोलूं, मैं आपको आउट कर दूंगी। ये क्या बात हुई कि चार चार सवाल करते हैं, मैं आपको आउट कर दूंगी असेंबली से। गन्ने की कीमत मुकर्रर ना करने की अदम फराहमी पर सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का शोर शराबा, शैला रजा और नुसरत सहर अब्बासी में तू तका। नुसरत सहर ने डिप्टी स्पीकर को अम्मी जान कह दिया, से निकालने की धमकी। इकबाल पर हसन इकबाल भी अलामा इकबाल का ही शेर लिखकर मुस्तरद कर दी। पेशावर में जिले इंतजामिया का साइन बोर्ड के खिलाफ तहरीक डाउन, क्रैक डाउन। चार सरदार रोड पर लगाए गए 32 गैर कानूनी साइन बोर्ड हटा दिए गए। काबुल में टीवी स्टेशन पर हमला, दो मुलाजमीन हलाक, 30 जख्मी हो गए। एक हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, इमारत क्लियर करार दे दी गई। पीएसएल फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑलराउंडर इमाद वसीम को टीम का कप्तान मुकरर कर दिया। टीम में आफरीदी की मौजूदगी के बावजूद